मैं हूं अमित, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एयर इन्फो मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट। फ्रेंड, आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि कोई भी मोबाइल को आपको कूल टेस्टिंग में चार्जिंग को कैसे चेक किया जाता है और हॉट टेस्टिंग में कैसे चेक किया जाता है, हम प्रॉपर इस वीडियो में मैं बताऊँगा। तो देखिए, इसमें क्या है कि आपका प्रॉब्लम है कि चार्जिंग यहाँ वोल्टेज नहीं दे रहा है, मतलब कि आपका चार्जिंग नहीं है इसमें हो रहा है, तो चार्जिंग इशू है। तो इसमें चार्जिंग इशू को कंप्लीट करने के लिए मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूं। तो देखिए, यहां सबसे पहले आपको कूल टेस्टिंग में चेक करना है कि वो फ्लक्स केबल आपका ओके है या नहीं। तो अभी इसमें साइड से देखिएगा, पॉजिटिव लाइन इधर है, तो पॉजिटिव लाइन दिखाना चाहेंगे कि कैसे पॉजिटिव लाइन है या नहीं है। तो देखिए, हम अभी दिखाते हैं। तो यहाँ सब जो चार्जिंग है, चार्जिंग को लगाते हैं, उसके बाद हम यहाँ चेक करते हैं 5 वोल्ट मेरा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो 5 वोल्ट हम चेक कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आपका 5 वोल्ट है, ये आपका मिल रहा है, प्रॉपर मिल रहा है, लेकिन आपका मेन बोर्ड में जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। तो आगे फ्लक्स केबल को लगाकर चेक कर ले रहा है कि जो हमारा सप्लाई यहाँ आना चाहिए था 5 वोल्ट, वो सप्लाई मेरा प्रॉपर यहाँ भेज रहा है या नहीं भेज रहा है। देखिए, यहाँ कुछ भी वोल्टेज यहाँ सप्लाई नहीं भेज रहा है। देखिए, यहाँ पर आपका आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपका सप्लाई है जो ब्रेक है, तो इसमें फ्लक्स केबल का इशू है। देखते हैं, यहाँ पर आप लगाकर यहाँ इसके बगल में भी टिप्स दिया रहता है, तो हम यहाँ देख लेते हैं कि आपका वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। नहीं तो यहाँ कोई भी वोल्टेज यहाँ मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो ये फ्लक्स केबल है जो हमारा ब्रेक है। तो इसको हम दिखाएंगे कि बाईपास करके कि जो हमारा वोल्टेज यहाँ जाना चाहिए था हम मेन बोर्ड में, वो मेन बोर्ड में कैसे आपको जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको यहाँ जो ट्रेस करने के लिए हम बताए थे कि जो कनेक्टर के बगल में आपका पॉजिटिव लाइन होता है, वो पॉजिटिव लाइन पर जो हमारा आना चाहिए था सप्लाई, वो 5 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वहीं से आपको एक जम्पर निकालना है। आपको देखिए, यहाँ आपको दिखा देते हैं कि 5 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आपका यहाँ 5 वोल्ट यहाँ मिल रहा है, और यहाँ पर भी एक टिप्स दिया हुआ है, आपको स्क्रैच कीजिएगा तो आपको टिप्स बन जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर 5 वोल्ट आपको यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो हम अभी बाईपास करके दिखाएंगे कि कैसे आपको बाईपास किया जाता है चार्जिंग को चार्ज करने के लिए, बनाने के लिए फ्लक्स केबल अगर अवेलेबल नहीं हो तो। तो देखिए, अभी क्या करेंगे कि हम एक जम्पर वायर को लेंगे, प्रॉपर देखते जाइएगा इस वीडियो में कैसे। इसी तरह आपको कोई भी आपको सेट आता है, कोई भी मोबाइल आता है, तो आप इसी तरह से ट्रेस कर सकते हैं और आप चार्जिंग बेज को बना सकते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक जम्पर वायर को लिए और उसमें क्या करेंगे कि रांगा को लगा लेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ जो टिप्स जो स्क्रैच किया गया है वहाँ आपको मार देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हो गया जम्पर। और इसके बाद अब क्या करना है कि जो मेन बोर्ड है, मेन बोर्ड में जो यहाँ टिप्स दिया हुआ है पॉजिटिव लाइन के लिए, आपको ट्रेस करके दिखा देते हैं, वहीं मारना है आपको। आप जब देखिएगा तो देखिए कैसे चेक करना है कि हमारा पॉजिटिव ये है या नहीं है। तो आपको बीप रेंज पर सेट कर लेना है मल्टीमीटर को। अब बीप रेंज पर सेट करने के बाद क्या करना है, मल्टीमीटर का प्रोब क्या करना है कि आपको यहाँ पर आपका दिया हुआ है, देखिएगा जो यहाँ आपका कनेक्टर के जो सबसे किनारे साइड है वो पॉजिटिव लाइन है, जो 5 वोल्ट हमारा जाएगा। इसको यहाँ टिप्स पर जब चेक कीजिएगा तो बीप देगा, ठीक है। देखिए, बीप दे रहा है, हमारा बीप दे रहा है, मतलब कि ये हमारा टिप्स दिया गया है, यही टिप्स पर आपको जम्पर मारना है, ठीक है। तो अभी देखिए, हम जम्पर मार के दिखाते हैं आपको जो चार्जिंग है, प्रॉपर हम दिखाएंगे कि चार्जिंग होना स्टार्ट होता है कि नहीं। देखिए, देखिए जम्पर यहाँ पर रेडी हो गया। और इसके बाद अब दिखाते हैं कि चार्जिंग आपको प्रॉपर आ रहा है वोल्टेज की नहीं। ये देखिए, ये ग्राउंड के लिए दे रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड इसमें नहीं अगर मिलेगा तो चार्जिंग वोल्टेज नहीं देगा। तो अब देखिए क्या करना है कि आपको यहाँ मेन बोर्ड और सब बोर्ड में लगा लेना है फ्लक्स केबल को, कनेक्टर को। और लगाने के बाद दिखाते हैं कि मेरा प्रॉपर 5 वोल्ट यहाँ सप्लाई भेजने लगा या नहीं। तो देखिए, अभी हम लगाते हैं चार्जिंग को, लगाने के बाद हम टेस्टिंग करते हैं। यहाँ ग्राउंड पर रख लिए, और ग्राउंड पर रखने के बाद देखिए, यहाँ आपका देखिए, सॉरी, यहाँ चार्जर निकला हुआ था इसके वजह से। देखिए, अब सप्लाई देखिए, यहाँ 5 वोल्ट यहाँ आपका आउट करने लगा है, जो हमारा जाना चाहिए था 5 वोल्ट। और देखिए, यहाँ पर आपका चार्जिंग शो करने लगा होगा। देखिए, यहाँ पर डिस्प्ले आपका ब्रेक है, इसमें डिस्प्ले में लाइनिंग देख रहे हैं कि आपका यहाँ चार्जिंग शो कर रहा है, ब्लिंकिंग यहाँ देख रहे हैं, ब्लिंकिंग कर रहा है, देखिए ब्लिंकिंग कर रहा है यहाँ।
मतलब कि चार्जिंग आपका सप्लाई ओके हो गया, मतलब चार्जिंग आपका प्रॉपर ऑन हो गया। आप क्या कर सकते हैं कि आप फ्लक्स केबल चेंज भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, तब भी आपका प्रॉपर चार्जिंग आपका होगा।